अगर आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन सिन्हा पकड़ा गया है तो सिर्फ रेवा जी के ही कारण। और सिन्हा तुम चलो, जेल की रोटियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो लेके। रेवा, सांप का डसा बच सकता है लेकिन तेरा डसा तो मुझे याद रखना। चलो लेके इसे। मुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना मुझे। गेट आउट। चल सिन्हा चल। चला। रीवा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें खूनी कहा। I'm very sorry, रीवा, मैं क्या कहूं, कैसे मैं तुमसे। रीवा, अगर आज हम सबको यह पता चलता कि तुम भी सिन्हा के साथ थी तो मेरा हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती से विश्वास उठ जाता। थैंक यू रीवा। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा और आज ही मैंने उसे कहा कि वो। नहीं मंजू, तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम दोस्त थे लेकिन मैं तुम्हारी सौतन बन गई थी। मैं तो बुरी हूं। नहीं देवा, प्लीज डोंट से दैट। तुम ऐसा मत कहो। नहीं मंजू, तुम्हारे दिल में जो था तुमने कह दिया और ये सब कहने के लिए तुम्हारे पास वजह भी थी। लेकिन एक बात सच है कि मैं राज को हमेशा से प्यार करती आई हूं और हमेशा प्यार करती रहूंगी। लेकिन ये मेरी भूल थी मंजू, क्योंकि राज के दिल में सिर्फ एक औरत के लिए जगह है जिसे वो सच्चे दिल से चाहता है और वो तुम हो मंजू। राज के साथ रहकर भी मैं अपने आप को झूठा दिलासा देती रही। मैंने राज को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मंजू। I'm really sorry. It's not that I hated you, Manju. It's just that I loved Raj too much. देखो रेवा, आज तो माफी मुझे मांगनी चाहिए। जो मैंने आज किया तुम्हारे साथ, मैंने जो कुछ कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry. नहीं मंजू, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि माफी मांगने का वक्त आज मेरा है, तुमसे, तुम सबसे। एक और बात, आज के बाद तुम लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। I promise you. क्योंकि मैं दूर जा रही हूं, बहुत दूर, हमेशा के लिए।
कुकु, मैं स्पेस नहीं जा रही हूँ, अमेरिका ही जा रही हूँ, तो हॉस्पिटल से डायरेक्टली फोन कर देना कि लड़का हुआ या लड़की। तुम भी इसीलिए तो कहीं नहीं जा रही है। देख रे बाप, अब हम सबको पता चल गया कि तूने क्यों किस लिए किया। गॉड सेक डोंट गो, तू चली जाएगी तो किटी बेजान हो जाएगी। प्लीज, क्या बात कर रही है तू, किटी की जान तो तू है यार, मेरे साथ लड़ेगा कौन फिर? फोन कर लेना, फोन पे थोड़ी कोई लड़ता। प्लीज डोंट गो। देख सच बताओ, मुझे ना खुद पे भरोसा नहीं है, अगर मैं यहाँ रह गई तो। तपन जी, प्लीज इसका ध्यान रखना यार, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे। डोंट वरी, लेकिन प्लीज आप भी अपना ध्यान रखिएगा। सोच ले अभी भी मत जा। टीना, यू नो मैं हमेशा सोचती थी कि यू एंड सुधीर लुक परफेक्ट टुगेदर। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम लोग साथ में हो। रेवा प्लीज, ये सब क्या जरूरी है? आर दी स्टॉक्स नेसेसरी? अब कुकु ने कहा ना कि सब ठीक हो गया, सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। देखो यार, इफ एनीबडी हैज सेड समथिंग रॉन्ग, मैं माफी मांगती हूँ। यू डोंट हैव टू गो यार, व्हाई? टीना, हम जब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, झगड़ा करने का, नाराज होने का, गुस्सा होने का हक होता है हमारा। तो ठीक है, तो मैं अब गुस्सा हूँ, प्लीज जस्ट डोंट गो। ओके, जस्ट डोंट गो यार। बहुत हिम्मत की मैंने यार, डोंट स्टॉप मी। जाना ए पिक्सी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। ये तो सिर्फ फ्लाइट टिकट्स के लिए पे करना पड़ेगा, वहां तो रहने की जगह मेरे पास। Exactly. अकेला रह नहीं जाएगा। अकेला अकेलापन महसूस करूंगी तो तुझे फोन कर दूंगी ना। झगड़ेगा कौन मेरे से? सार्कास्टिक आदत पड़ गई है। I miss you baby very badly. मामा, मामा बस कीजिए, आपको जो लगा आपने कहा। देवकी, मुझे कुछ तो सोचना चाहिए था ना, कुछ पूछना चाहिए था उससे। मैंने तो बस सीधा उस पर इल्जाम लगा दिया। आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हम सबको भी तो यही लगा था ना। मुझे भी एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि रेवा आंटी को सिन्हा के साथ मिली हुई है। हाँ मामा, और हम सभी ने ही तो उन्हें दोषी माना था ना। पर विकी, मैं तो उसे सालों से जानती थी ना, हम दोनों इतने सालों से दोस्त थे, कम से कम मुझे एक बार पूछना तो चाहिए था ना उससे। मंजू, कभी कभार इंसान दूसरे इंसान को समझने में गलती कर लेता है। देखो, रोना बंद करो और जा रही है, उसे एक बार मिल लो। नहीं, मैं उसे फेस नहीं कर सकती। मंजू, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। मंजू प्लीज, ये बचपना छोड़ो, कम एंड मीट हर वंस। नो मनु, आई कैन नॉट मीट हर, आई विल नॉट मीट हर। देखो मंजू, ऐसा ना हो कि हमेशा दिल में खलिश रह जाए कि तुम उससे मिल नहीं पाए, सो प्लीज उससे मिलो। नो, I will definitely not meet her. I cannot face her. Reva? मुझसे मिले बिना जा रही थी? आज दोस्त समझ कर नहीं, चाहे दुश्मन समझ के ही मुझे गले लगा ले।
मंजू, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। नहीं रेवा, आज कोई माफी नहीं मांगेगा, ना तू ना मैं। आज सारे शिकवे किले सब भी नाचियों के साथ बह जाने दे। आज हम सिर्फ दोस्ती की, प्यार की बात करेंगे बस। देख, वैसे तू ये जाने की बात सब भूल जा, तू कहीं नहीं जा रही, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं मंजू, अब मत रोक मुझे, अब मत रोक। रेवा, तू मेरी वजह से जा रही है ना, है ना? प्लीज तू मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज मंजू, ऐसे मत करो। तुमने कोई गलती नहीं की। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं तुम्हारे जैसा भी नहीं कर पाती। और मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रही हूं, मैं खुद के लिए जा रही हूं। प्लीज प्लीज रुक जा रेवा। अरे मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हूँ गाइस। तुम लोग दिल से याद करोगे तो मैं तो आ जाऊंगी। अब तो तुम्हारे नाती पोतियों के साथ भी तो खेलना मुझे। ए विकी, लो वेर यू गाइस। आंटी आई एम सॉरी। नो विकी, कई बार मेरी वजह से आपको। मंजू ने कहा ना, सब कुछ आज आंसुओं में बह जाने दो, सिर्फ प्यार की बातें करेंगे। भगवान तुमको और लोलो को बहुत खुश रखे। ओके गाइस, आई गेस दिस इज इट। रेवा, मनु को मिलकर नहीं जाएगी? मैंने सोचा था जाने से पहले मैं तुमको ये कहूंगी, तुमको वो कहूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पा रही। बस यही कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे भूलना, मुझे भूलना मत। रेवा, मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें याद भी नहीं करूंगा, क्योंकि याद तो वो लोग आते हैं जो दिल से चले जाते हैं। You have a permanent place in my heart, Reva. तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थे और हमेशा रहोगे। जब कभी मेरी जरूरत पड़े, come to me, okay? Thank you. Thank you. ओके गाइस, आप लोगों की हंसते हुए तो हमेशा तस्वीरें निकली हैं, आज एक तस्वीर रोते हुए हो जाए। टीना, क्या है कैमरा प्लीज। थैंक यू। ओके, एंड दिस टाइम यू डोंट हैव टू से चीज। हां, किटी, आप सबने देखा ही होगा एंड आई होप यू ऑल इन्जॉयड इट, क्योंकि किटी मेरे लिए स्पेशली एक बहुत ही खास तरीके का एक्सपीरियंस था। मैं जिस तरीके की इंसान हूँ, मेरी ज़्यादातर गर्ल्स या लेडीज से दोस्ती होती नहीं है, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, वन टू वन दोस्ती होती है, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ वी वर सेवन लेडीज एंड वी वर लाइक
दिस टिल डे वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स एंड बेस्ट पार्ट इज हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी एक किटी शुरू करेंगे. किटी इज ऑल्सो प्रोडक्शन विच इज ब्रिलियंट. वी हैव नेवर हैड प्रॉब्लम्स ऑन दिस सेट. आई मीन जो जैसे था वो वैसे ही था. किसी ने एक एक्ट नहीं पुट ऑन किया दूसरे के लिए एंड आई लाइक इट बिकॉज वी टुक ईच अदर द वे वी वर एंड आई होप एंड आई प्रे कि वंस मोर किसी दिन यही टीम हम एक साथ काम करें. आई डोंट थिंक के टेलीविजन के सारे दौरान में या जी टी वी के सारे दौरान में कभी भी किसी एक सीरियल में इस तरह की कास्टिंग हुई है. लेकिन उन सबको इकट्ठा करके एक साथ काम कराना और हर एक कैरेक्टर को हर एक रोल को जिस तरह से जस्टिफाई किया गया है आई थिंक हम में से शायद कोई भी नहीं होगा जो सेटिस्फाइड नहीं है. किटी पार्टी क्या बताऊँ मैं इसके बारे में. हम 8 औरतें डायरेक्टर कैमरामैन सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट ऐसे एक फैमिली की तरह हो गए कि आज बिछड़ने को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है. जब मुझे कहा गया कि किटी पार्टी में रोल करना है मैंने सोचा बाप रे बाप इतनी सारी औरतों के बीच में बहुत झगड़ा होने वाला है. लेकिन आपको सच बताऊं आज मुझे ऐसे लगता है कि मेरा परिवार बढ़ गया है. दिस शो हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्पेशल टू ऑल ऑफ अस. इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years एंड इट्स वेरी क्लीशे टू से दैट ओ वी एंड अप बिकमिंग लाइक अ फैमिली बट ट्रस्ट मी इट इज़ एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज दैट वी गर्ल्स आर एक्चुअली फ्रेंड्स आउटसाइड आवर शूटिंग. We are just not friends when we meet on shoot and things. We actually keep in touch. We actually call when we're going out somewhere. We have dinners and we have little parties thrown amongst us. So that's the great part, I think, of being a part of Kitty Party. And I guess everybody who was a part of this show will definitely agree with me. And I just hope and pray that all of us are put together one day soon because it's too heartbreaking to be away from them. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत एक साथ मिलकर हम सब ने काम किया और बहुत से ऐसे हादसे हुए बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो कुछ खट्टी थी कुछ मीठी थी. ओवरऑल जो रहा ये सफर बहुत ही अच्छा रहा. आज किटी पार्टी का लास्ट डे है मेरा शूट का और एक मिक्स सी फीलिंग हो रही है क्योंकि इतने साल के बाद 2.5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं एंड आज जब ये ख़त्म हो रहा है तो सिर्फ अच्छी बातें याद आ रही हैं. काफ़ी कुछ होता है एक शूट के दरमियान. एक स्ट्रेंजर्स एक फैमिली जैसे बन जाते हैं जब ये सब गर्ल्स अचिंत एंड कविता प्रीति उनको सब आप अलग नाम से जानते हैं रेवा टीना कुकू ये सब लोग जब पहली बार मुझे मिली तो ऑब्वियसली हम फॉर्मल थे एक दूसरे के साथ और एक लगता है कि जब सब औरतें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनमें राइवलरी होगी जेलसी होगी कुछ ना कुछ फायरवर्क्स होंगे. बट सरप्राइजिंगली हमारे यूनिट में सचमुच ऐसा नहीं हुआ. वी हैड अ वंडरफुल टीम वर्क एंड इन फैक्ट कुछ दिन पहले मेरे घर में हैड अ लिटिल पार्टी फॉर ऑल माई किटी गर्ल्स जिसमें हमने आदमियों को इंक्लूड नहीं किया था एंड एवरीबडी वॉज सो इमोशनल टूवर्ड्स ईच अदर. लास्ट डे जब शूट हुई थी सारी लड़कियाँ लिटरली स्पॉन्टेनियसली रो रही थी एंड एवरीबडी वॉज वेरी सैड टू पार्ट. बट हमने ये प्रॉमिस किया कि हम पार्ट इस तरह से नहीं होंगे. वील मीट अगेन एंड आई थिंक द स्पिरिट जो किटी पार्टी में एक थी स्क्रीन पे एक बिचीनेस और एक राइवलरी दिखती थी जो काम के दरमियान शूटिंग के दरमियान नहीं थी. वी आर अ वंडरफुल यूनिट ऑल ऑफ देम. वी हैड 2-3 डायरेक्टर्स बट ईच वॉज वन बेटर देन द अदर आई वुड से एंड आर कैमरा पर्सन ऑल आर कैमरा यूनिट टेक्नीशियंस एक लिटरली एक फैमिली जैसे हो गए हम लोग. और मैं तो यही कहूँगी और चाहूँगी कि हम फिर से वापस मिलें और फिर से और काम करें और अच्छा काम करें साथ में. अगर आप लोग चाहेंगे तो हम ज़रूर फिर से वापस आएंगे आपके पास. थैंक यू.